Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Tata Punch. This punch I have installed Lavato COVD2, one of the finest kit in our industry. मतलब इससे बढ़िया किट नहीं है हमारे इंडस्ट्री में, और जो कमी है किट के अंदर या गाड़ी के अंदर वो मैंने डायनेमिक एडवांसर लगा के उसको भी दूर कर दिया है। इस गाड़ी के अंदर मैंने साइड फिलिंग बाल भी लगाया, वह कंपनी का, मेड इन जर्मनी। मतलब इस गाड़ी के अंदर जो काम होना चाहिए वो सब कुछ करके दिया। आइए दिखाता हूँ मैं। दिस इज़ लवेटो COVD2। ये आपका मेटालिक ECM है, लवेटो COVD2। इससे जो वायरिंग जा रहा है सारा स्पायरल ट्यूबिंग में जा रहा है। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द वायरिंग डन, सारा स्पायरल ट्यूब में। ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। ये रिड्यूसर है सिंगल स्टेज का, जो इनका BA6 में अप्रूव्ड है। ये आपका मैप सेंसर बेस्ड फिल्टर है, जो केवल लवेटो COVD2 में आता है। इस गाड़ी के अंदर मैंने कपलर टू कपलर वायरिंग किया, सॉकेट टू सॉकेट। इसमें इंजेक्टर्स के कोई वायर कट नहीं है। ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। इसके अंदर जो मैंने लगाया, मैंने आपका डायनेमिक एडवांसर, रियली दिस वर्क्स वंडर। मज़ा आ जाएगा भाई को गाड़ी चला के। मतलब दिस कार, आई टेक ए चैलेंज, इट विल रन बेटर देन पेट्रोल। मज़ा आएगा। इसके अंदर मैंने कूलेंट कनेक्शन करके दिया, यहाँ से दो पाइप जा रहा है। जस्सी यहाँ से दो पाइप आपका कनेक्शन हो रखा है, और ये आपका पाइप रिड्यूसर में जा रहा है। हमेशा कहता हूँ इससे 10-15% एवरेज इम्प्रूव होता है। ये रिड्यूसर में आपका टेम्परेचर सेंसर भी वहीं लगा है जहाँ लगा होना चाहिए। अ सुपर्ब इंस्टॉलेशन डन वंस अगेन इन टाटा पंच। आपने बहुत मोटोजेन की किट देखा आपने, ये आपका जो है लवेटो COVD2 है, सुपर। इसके अंदर मैंने साइड फिलिंग वाल लगाया, वह कंपनी का, मेड इन जर्मनी, जो मारुति में कंपनी फिटेड में आता है वो लगा के दिया मैंने। जस्सी दिस, ये आपका मेड इन जर्मनी, वह कंपनी का है, सुपर। इसके अंदर जो है 12 kg का सिलेंडर लगाया इन टाटा पंच। इसमें आपका जो स्टैंड का जो मेरा क्वालिटी है, ब्रॉडर शीट में मोल्डेड पाइप स्टैंड। एक मिनट इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। जस्ट सी दिस, ये आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड, आराम से स्टेपनी निकलेगा, और 50% स्पेस। ये TVS नाइलोलॉक नट बोल्ट, और ये स्टैंड की क्वालिटी है। आप देखो, आप दिस इज द क्वालिटी, रबर ग्रिप के साथ। और ये डक्ट अभी फिट करूँगा लीकेज चेक होने के बाद। डक्टिंग इसलिए करता हूँ कभी एक्सेस गैस आए तो यहाँ से गैस लीक होता है स्लो, धीरे धीरे, तो कभी भी हो तो वो डक्ट से गाड़ी के बाहर होगा। फॉर सेफ्टी कंसर्न दिस इज़ मस्ट। अब चलते हैं CNG पंप, गैस डलवाते हैं, सेटिंग करते हैं और ट्रायल लेते हैं और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है। आइए।